हेलो माय लवली सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है ओके इस रिलेशनशिप में, रीयूनियन के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। इसी सब पर आज हम रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की तरफ से भी कुछ हमें एनर्जीज मिलती हैं और कुछ मैसेजेस हमें यूनिवर्स देते हैं, तो हम ज़रूर वो सभी मैसेज आपको बताएंगे ओके। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है ओके, सभी जोडियक साइन के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए हैं, और आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें। जिनके लिए आपको ये रीडिंग देखनी है उनके ऊपर आपको फोकस करना है। लाइफ के किसी भी मोड पर, आपके पास्ट में, आपके प्रेजेंट में कोई भी नेगेटिव चीज़ हुई है इन दिनों में, उन सभी को आपको भूल जाना है हमेशा हमेशा के लिए ओके। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देते हैं आपको एंजल्स ओके। डिवाइन गाइड कीजिए हमारी व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या रीयूनियन होने में क्या ब्लॉकेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। जो भी गाइडेंस आती है अगर आपको लगता है कि आपको माननी चाहिए तो आप मानिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा ठीक है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का आया है। वाह, पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ वांड्स, ठीक है। ओके, दो कार्ड्स हैं हमारे पास, एट ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है ओके। दोनों ही कार्ड्स हम लेंगे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स ओके। हो सकता है आप दोनों की एज में थोड़ा सा अंतर हो, थोड़ा एज गैप हो सकता है आप में, आप दोनों में ठीक है, कुछ अलग हो सकता है, हो सकता है कास्ट रिलेशन का कुछ इश्यू है आप दोनों के बीच में ओके। वाह द लवर्स, वाह, ये कार्ड देखकर सभी के फेस पे स्माइल आ जाती है प्यारी सी। ओ एक कार्ड और गिरा है हमारे पास जो है टावर का। अब किसी ने ऐसे बोला होगा, अरे ये क्यों आ गया, लेकिन नई शुरुआत तभी होती है जब कुछ पुराना ख़त्म हो जाता है, इसलिए ये कार्ड आया है ठीक है ना। आप लोग टेंशन बना के रखोगे इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया ओके। एस ऑफ कप्स, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं चीज़ों को लेकर, हाँ। टेम्परेंस ओके। थ्री ऑफ वांड्स, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर काफ़ी समय से बातचीत नहीं हुई है, मिलना दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे से, लेकिन नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले गाइडेंस की बात करूँगी, फिर मैं आपके लिए जो कार्ड्स गाइडेंस देते हैं वो बताऊँगी, फिर आगे जो एनर्जीज मिलती हैं वो भी मैं बताती हूँ आपके, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको हर चीज़ खोने का डर जो दिल में बना रहता है उसको बिल्कुल आप छोड़ दें, आप हमेशा कंफ्यूज्ड भी रहते हैं ठीक है। जो कार्ड्स कह रहे हैं मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, मुझे वेट करना चाहिए या वेट नहीं करना चाहिए, मुझे क्या अपने पार्टनर से झगड़ा कर लेना चाहिए, ठीक है मैं दूसरे नंबर से कॉल मैसेज करके उस चीज़ों को क्लियर कर लेता हूँ, आप वेट कीजिए ठीक है। आपको इंतज़ार करना है काफ़ी समय से, अगर आप इंतज़ार करना है, देखिए किसी भी पर्सन के साथ में जब वो पर्सन आपके साथ गया सेपरेशन में, ठीक है, तब अगर उसने बातें क्लियर नहीं की या कोई भी बहाना कर दिया है किसी भी रीज़न की वजह से वो दूर चला गया, तो वो आपके गुस्से वाले फ़ोन से या मैसेज से क्या ही आपको बता देगा। इसलिए यहाँ पर आपको कार्ड्स भी यही कहेंगे, थोड़ा और आपको सब्र की ज़रूरत है, थोड़ा और पेशेंस रखिए। अब आप ये कहते हैं कि दी बड़ा सब्र कर लिया, नहीं हो रहा है, काफ़ी समय हो गया है, हम कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है, या आपकी लाइफ है, आपको लगता है कि आप ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहते हैं जो आपको इंतज़ार करवा रहा है, तो आप रुक सकते हैं। अगर काफ़ी समय से इंतज़ार कर लिया है भाई, तो आपकी लाइफ है ठीक है। यहाँ पर इन सब एनर्जी से आपको निकलना होगा, क्योंकि जिस वक्त आपके पार्टनर से आपका सेपरेशन हुआ, आप दोनों के बीच में जो भी बात हुई है, आपके पार्टनर चले तो गए, जब गए हैं तो वो नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता ख़त्म हो, कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे कि क्या मैं रुक जाऊँ, क्या मैं चले जाऊँ, पर हालात ऐसे हो गए आपके और आपके पार्टनर के बीच में कि आप दोनों का अलग होना पड़ा। ये डिसीज़न हो सकता है आपके पार्टनर का हो, ठीक है, लेकिन डिसीज़न लेने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा पछताए हैं, उस डिसीज़न को उन्होंने ठीक करने की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है,
कोशिश करने के बाद में वो उसमें सक्सेस क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें उनके लाइफ में कोई कंट्रोलिंग एनर्जी थी। यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है इस डिसीज़न से वो भागना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये डिसीज़न मैंने ले लिया है लेकिन अब ठीक कर लूँ मैं चीज़ें। और वो उसी टाइम पर, मतलब अगर आपका सेपरेशन हुआ है एक दिन, एक घंटे बाद, दूसरे दिन, वो चीज़ें ठीक करना चाहते थे लेकिन कोई कंट्रोलिंग एनर्जी थी जिसने उनसे कह दिया कि नहीं तुम वेट करो, तुम कन्फ्यूज़ हो, तुम डिसाइड करो। ये जो चीज़ें होती हैं, जो तीसरा इंसान होता है, रिश्ता बिगाड़ भी सकता है, रिश्ता बना भी सकता है। तो तीसरे पर्सन ने आपके पार्टनर की लाइफ में उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, उसका इरादा ठीक नहीं था, ना आपके लिए, ना आपके साथ, आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप वेट कीजिए आपके पार्टनर का, ये आपके ऊपर है पूरी तरह से, क्योंकि लाइफ आपकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने लाइफ के पाथ से हट गए हैं। आप आपके लाइफ के जो आपने अपनी लाइफ में गोल सेट किए थे, आप उससे हट चुके हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी का एक एक दिन निकलता जा रहा है आपकी लाइफ का। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप रीयूनियन करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे कार्ड्स दिखा रहे हैं वो, अगर आप रीयूनियन करना चाहते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर से, वेट करना है, खींचे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओके। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आप सेल्फ़ लव करने स्टार्ट नहीं कर रहे। देखिए यहाँ पे जितना किसी भी चीज़ के पीछे आप भागते जाएंगे, वो चीज़ आपको उतना ही अपने पीछे भगाती जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आप डिसीज़न ले लेते हैं, तुम्हें आना है तुम आओगे, नहीं आना है मत आओ, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया उस दिन आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो जाएगा। जितना आप उस चीज़ के पीछे, अपने पार्टनर के पीछे, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस के पीछे भागते रहेंगे, उतना ही वो चीज़ें आपको अपने पीछे भगाती रहेंगे। ख़ास तौर पर आपके पार्टनर के लिए ही ये एनर्जीज हैं। आप चाहते हैं रीयूनियन हो जाए, उन इमोशंस को, उन हालात को पीछे छोड़ दीजिए, अपने लाइफ के पर्पस पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। जिस दिन आपने सोचना छोड़ दिया, ये एक तरीके से होगी लेट गो टेक्निक, ओके। जिस दिन आपने अपने पार्टनर पे ध्यान देना छोड़ दिया, अपनी लाइफ में बिजी हो गए, अपने करियर पे, फाइनेंस पे, अपनी ब्यूटी पर, अपने आप के ऊपर ध्यान देना आपने शुरू कर दिया, वहीं आपके पार्टनर आपके पास लौट कर वापस आ जाएंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पर कोई कंट्रोलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, उस कंट्रोलिंग एनर्जी के लिए मैं आपको पता है क्या करना है, आपको सबसे ज़्यादा अपने पार्टनर को स्टॉक करना छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना है पता है, अब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताती हूँ, सेल्फ लव करने के लिए या खुद के ऊपर ध्यान देने के लिए क्यों कह रही हूँ। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, जितना आप पॉजिटिव होकर अपने फोटोग्राफ्स अपलोड करेंगे, आप अपनी डीपी चेंज कीजिए, आप पॉजिटिव स्टेटस लगाइए, आपके पार्टनर को लगेगा ये मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है या मेरे जाने नहीं रहने से, चले जाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जहाँ आप स्टॉक करते हैं वहाँ आपके पार्टनर स्टॉक करने की एनर्जी में आ जाएंगे, क्योंकि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हालांकि उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा समय आपको स्टॉक करने में, अब आप कहेंगे अकाउंट नहीं है हमारा फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी हो सकता है सोशल मीडिया पर, तो भाई वो आपका, अगर आपने उन्हें ब्लॉक नहीं किया तो वो आपकी डीपी वगैरह चेक करते हैं। आप एकदम पॉजिटिव डीपी लगाइए, पॉजिटिव स्टेटस लगाइए, अगर आपने उन्हें ब्लॉक नहीं किया तो सारी चीज़ें पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब आपको, आपके प्यार की समझ आ रही है, आपके प्यार को परख लिया उन्होंने कि हाँ ये पर्सन सही है मेरे लिए, इस पर्सन को लेकर मैंने गलत डिसीज़न लिया इसके साथ सेपरेशन करके, तो वो आना चाह रहे हैं आपके साथ, टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि जो टावर मूवमेंट है वो ख़त्म होगा तभी तो नई से चीज़ें शुरू होंगी। यहाँ पर आपके पार्टनर को आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा है, आपकी समझ आ गई है आपके पार्टनर को, आपके रिश्ते की समझ आ गई है, इसलिए अब वो टावर मूवमेंट आपके साथ पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। या मैं फिर कह रही हूँ, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन जिस दिन आप ये सब कर लेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो जाएगा। जो लोग कमेंट बॉक्स में आकर लिखते हैं दी काफ़ी समय हो गया, टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं नहीं हो रहा है, एक तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, गॉड से, यूनिवर्स से सब कुछ मांग रहे हैं, एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, जब आप ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं उन्हीं पे सवाल उठा देते हैं। कभी अपने मम्मी पापा की किसी भी बात पे सवाल उठा के देखिए, वो बड़े नाराज़ हो जाएंगे कि अच्छा हम तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, तुम सवाल उठा रहे हो हमारे ऊपर। सेम यही चीज़ है, गॉड यूनिवर्स आपके लिए जितना अच्छा कर रहे हैं, आप अपने नेगेटिव थाट से क्वेश्चन मार्क लगा कर वहाँ पर आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हो। ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करने, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पार्टनर यहाँ पर आपको लेकर इमोशन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लग रहा है मैं किसी भी तरीके से टावर मूवमेंट ख़त्म कर दूँ, मैं चले जाऊँ उसके पास में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो कार्ड्स आज कह रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट मत कीजिए, सेल्फ लव करना स्टार्ट कीजिए, लेट गो टेक्निक यूज़ करनी है आज से आपको, अगर आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन करना चाहते हैं।
सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी लाइफ के पर्पस पे ध्यान देना है। जितना आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन उतना ही नज़दीक हो जाएगा। टेम्परेंस, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना, इसने रोका हुआ है आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, मिलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, किसी और का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। डेविल एनर्जी आई है यहाँ पर। डेविल एनर्जी को कैसे दूर करना है? सेल्फ लव करके, सेल्फ लव खींचिए, ये डेविल एनर्जी खुद से दूर हो जाएगी। ओके, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी आई है आपके और आपके पार्टनर के लिए। ओके, तो जो भी गाइडेंस अगर आपको अच्छी लगती है तो अपनी लाइफ में ज़रूर लेकर आए वो गाइडेंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है, गाइडेंस मिली है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।